अब जो है गाइस, यहाँ पर जो बैरिंग है ये वाला नीचे वाला कमी रहता है दोनों साइड से, यानी कि कवर वाला जो है ऊपर रख देंगे इस तरीके से। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि गाइस आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस की बाइक आई हुई है, और जब हम यहाँ पर इस तरीके से टायर पे ठोकते हैं तो घटर घटर की साउंड आती है, हैंडल ऐसे बबलिंग करती है आगे से, ठीक है ना। तो जैसे लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएंगे, इस तरीके से बाइक चलती है। तो इस रीजन में गाइस हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैरिंग का प्रॉब्लम है। आप कैसे पता करेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि गाइस इस तरीके से उठा के रखेंगे, और जब यहाँ पर चोट मारेंगे तो ये घटर घटर की साउंड करेगी, और यहाँ से भी स्पेस आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी गाइस हम फटाफट पहिया को ओपन करते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं। इसके अंदर दो बैरिंग होती है 6301 नंबर का, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये पहिया हिलेगा नहीं और बबलिंग। तो जैसे कि गाइस अब हमारा जो है व्हील पहिया बाहर आ चुका है। अब हम इस तरीके से पहले इसको हटा लेंगे, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक कवर, इसको इस तरीके से पेचकस के मदद से हटा देना है। और उसके बाद जो गाइस आपको इस साइड से ठोकना पड़ेगा, है ना। आपको मोटा साइज का जो है बुश रखना है, और यहाँ पर इस तरीके से लगाकर पहले ठोक लेना है। ऐसे बैरिंग नहीं निकलेगा, काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद आपको सिंपली 2 से 3 बार चोट मारना है, इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए इस तरीके का आपको लेना है टूल्स, और यहाँ पर लगाकर ठोकना है, ये काफी आसानी से निकल जाता है। देखिए गाइस ये हमारा बैरिंग निकल गया और ये हमारा बुश निकल गया। बैरिंग के बीच में ये बुश होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो सिर्फ हमने कितना 2 चोट मारा इससे और बैरिंग निकल गई। तो यहाँ पर ये मोटा साइज का एक्सल लेना है, ठीक है, और यहाँ पर चोट मारना है। तो गाइस ये वाला भी बैरिंग हमारा निकल गया, यानी कि दोनों बैरिंग आप देखिए हमने निकाल दिया। तो यही जो है हमारा साउंड कर रही थी घटर घटर की, इस तरीके से जब हिलाएंगे तो ये काफी ज्यादा प्ले हो गया और बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म है। और ये 6301 नंबर का बैरिंग होता है, ठीक है ना, अगला पहिया का। तो अब हम इसे ही चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एसटीएन का बैरिंग है, ठीक है ना। एसटीएन काफी अच्छा चलता है, और प्लस में गाइस जब हम बैरिंग को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ग्रीस डाल देना है। अगर ग्रीस डालते हैं तो बैरिंग का आयु बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी से आप देख सकते हैं काफी कम ग्रीस है। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रीस डालते ही आपको लगाना है बैरिंग को, ऐसे ही नहीं लगाना है। अभी जाके इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी और अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो दोनों बैरिंग में सेम ग्रीस डाल देना है इसी तरीके से, और इसको लगाना है, ठीक है गाइस। और इस कवर को आप पैक कर देना है। अब जो है गाइस यहाँ पर जो बैरिंग है ये वाला नीचे वाला जो गड्ढा साइड है, आप देख सकते हैं सेम ही रहता है दोनों साइड से, यानी कि कवर वाला जो है ऊपर रख देंगे इस तरीके से। हल्का हल्का चोट मारना इस तरीके से। ये बिल्कुल बैठ गया, परफेक्ट। अब इसको जो है गाइस इस बुश का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बुश यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। बुश नहीं रहेगा तो बैरिंग टूट जाएगी। अब ये हमारा दूसरा बैरिंग है, इसमें भी हमने ग्रीस डाल दिया। अब यहाँ पर इसको ठोक देना है। तो गाइस अब जो है ये हमारे पास इसका कवर, इसको यहाँ पर इन कर देना है। उसके बाद ये हमारा बुश है, यहाँ लगा देना है। अब इसको इन कर देंगे। भैया को टाइट कर दिया, ठीक है ना। अब दोनों ब्रेक जो है इसका टाइट कर देना है, एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से। कॉम्बी ब्रेक है, तो इसी तरीके से आप अपने घर पर बैरिंग चेंज कर सकते हैं, काफी इजी है। तो गाइस ये अच्छे तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो गई, है ना। अब ये जो है जरा से भी इस तरीके से जब हम हिलाएंगे तो ये प्ले नहीं रही है रहेगा, ठीक है ना। अब जरा से भी प्ले नहीं कर रही है और बबलिंग भी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो काफी अच्छा हो गया। इसी तरीके से आपको बैरिंग को चेंज कर लेना है,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।